उत्तर प्रदेश की आबादी में करीब 20% मुसलमान हैं, जबकि सरकार में सिर्फ एक मुसलमान मंत्री है। यह है उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे दानिश आजाद अंसारी। योगी सरकार की पिछली सरकार में भी सिर्फ एक ही मुस्लिम मंत्री थे, जिनका नाम मोहसिन रजा था। दानिश आजाद अंसारी 32 साल के हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एबीवीपी से जुड़कर छात्र राजनीति किया करते हैं। दानिश के रिश्ते के भाई पिंटू खान ने बात करते हुए बताया, हमारे दादा मोहम्मद ताहा अंसारी सुखपुरवा गांव के जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक थे। उनकी आसपास के गांवों में काफी प्रतिष्ठा थी। दादा का असर ही दानिश आजाद पर पड़ा। उन्हें शुरुआती पहचान उन्हीं के नाम से मिली। दानिश के पिता का नाम समीउल्लाह अंसारी है, वो भी बलिया में ही रहते हैं। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गाँव अपायल के प्राइमरी स्कूल से हासिल की। बलिया से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद दानिश अंसारी ने साल 2006 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कंप्लीट की। दानिश अंसारी जनवरी 2011 में छात्र संगठन एबीवीपी के साथ जुड़ गए। दानिश आजाद ने इस बार चुनाव नहीं लड़ा, वो किसी सदन के सदस्य नहीं है। दानिश को जानने वाले बताते हैं, यहीं से वो राजनीति में काफी एक्टिव हैं। उनके नाम के साथ आजाद जुड़ गया क्योंकि वो अपने विचार पूरी तरीके से आजादी के साथ व्यक्त करते हैं। एबीवीपी से जुड़ने के बाद दानिश ने अपनी पहचान बनानी शुरू की। वो खुलकर बोलते थे, लोगों को प्रभावित करते थे, यहीं से उनके नाम के साथ आजाद जुड़ गया। दानिश ने मुसलमान युवाओं के बीच राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी और हिंदूवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों का प्रसार करना शुरू किया। उन्होंने मुसलमान युवाओं के बीच संघ की विचारधारा को फैलाने के लिए काम किया, इससे उनकी पहचान बनती चली गई। उन्हें पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश महामंत्री भी बनाया गया। दानिश अपने पिता के इकलौते बेटे और शादीशुदा हैं। उनकी एक बहन भी है जिनकी शादी हो चुकी है। 32 साल के दानिश की अभी कोई संतान नहीं है। दानिश एक पारंपरिक मुसलमान परिवार से है, अपने क्षेत्र में अच्छी पहचान है। दानिश के माता पिता दोनों ही हज कर चुके हैं, काफी धार्मिक है।